Hey everyone and welcome to Global Consilient Research. We are back with a new office, with a new setup and lots of content for you. So, आज की वीडियो में भी ऐसे ही कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, स्पेशली ऑन LinkedIn. Dozens of students have asked me about this, कि how to make a career in equity research in India. तो चलिए without wasting any time, let's begin. So, सबसे पहले देखिए मैंने इस वीडियो को ना 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पूरे आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि हाउ टू मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च एंड हाउ नॉट टू मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च. हम पूरे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सीखेंगे और कभी कभी हो सकता है कि कुछ आपके ऐसे बिलीव्स हो जो आपको रॉन्गली गाइड कर रहे हो इस फील्ड में घुसने के लिए, इवन दो दिस फील्ड माइट नॉट बी फॉर यू. सो सबसे पहले हम बिलीव्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हो सकता है रॉन्गली गाइड करें. बिलीफ नंबर 1, ये एक आसान तरीका है अमीर बनने का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द ब्लडी ट्रूथ, ये करियर पाथ आपको जल्दी अमीर नहीं बनाने वाला, राइट? सो LinkedIn में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सैलरीज कितनी होती है, कोरा पे देखते हैं जाके, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी है, आपकी स्कैम 1992 है. सो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक माइंडसेट बन गया कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, देन यू विल मेक क्विक मनी. एक दो साल में आप करोड़पति नहीं बनने वाले, स्पेशली इन अ जॉब एंड स्पेशली इन इक्विटी रिसर्च जहाँ पे बेस सैलरीज आपकी 30 से 40 हज़ार स्टार्ट होती है फॉर एन एनालिस्ट, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कोई भी इक्विटी रिसर्च का करियर हो या कोई और भी फील्ड का करियर हो, आपको जल्दी अमीर नहीं बनाने वाला, राइट? सो ये बिलीफ अपने अंदर बना लो कि भाई इफ यू आर इन दिस फील्ड जल्दी अमीर तो नहीं बनोगे. सेकेंड, दिस इज सम सेक्सी करियर. देखिए ये सेक्सी करियर तो बिल्कुल भी नहीं है, फार फ्रॉम इट. मैं पूरा दिन बैठ के इक्विटी रिसर्च करता हूँ, इक्विटी रिसर्च पढ़ाता भी हूँ. ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब्स इन दिस वर्ल्ड यू कैन गेट इट, क्योंकि आपका 3 या 4 सॉफ्टवेयर में ही दिन निकल जाएगा. उन सॉफ्टवेयर का नाम है आपका एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट एंड योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपको पिच डेक बनानी है, आपको वैल्यूएशन मॉडल बनानी है, आपको रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, यू और वो सब करने के लिए यू नीड टू गो टू द हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स. सो डोंट इवन थिंक कि ये सेक्सी करियर है, और इफ यू हेट रीडिंग देन ट्रस्ट मी प्लीज डू नॉट ज्वाइन दिस करियर पाथ, क्योंकि आपको यू हैव टू रीड अ लॉट एंड लॉट एंड अ लॉट्स ऑफ पेजेस. सो ये दो ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको रॉन्गली गाइड कर रहे हो. सो मेक श्योर ये बिलीव्स आपके मन में नहीं है कि आप जल्दी अमीर बनने वाले हो और ये कोई सेक्सी करियर पाथ है. तो अब हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन. द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग इक्विटी रिसर्च करियर इज टू अंडरस्टैंड द राइट सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन यू नीड. सो सबसे पहले मैं एक वहम क्लियर कर दूँ आपकी, दैट यू नीड टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स नहीं भी पढ़ी है देन स्टिल इट्स फाइन, बट एट सम पॉइंट यू नीड टू हैव अ नंबर्स डिग्री, क्योंकि सूनर और लेटर यू विल बी वर्किंग विद अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नंबर एंड यू विल बी फोरकास्टिंग देम. सो मेक श्योर इवन इफ यू डू नॉट हैव अ कॉमर्स डिग्री इन योर ग्रेजुएशन ईयर इन योर स्कूल, बट यू हैव टू एट सम पॉइंट गेट अ कॉमर्स टाइप और अ नंबर्स बैकग्राउंड डिग्री. सो इसको समझिए, अगर आपने लेट से आप आर्ट से हो या आप साइंस से हो, बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैंने आज तक बैलेंस शीट नहीं देखी, मैंने आज तक फाइनेंस नहीं पढ़ा, आई हैवन्ट स्टडीड अकाउंटिंग, कैन आई मेक अ करियर इन इक्विटी रिसर्च? यस यू कैन, बट यू नीड टू शार्पन द सॉ, यू नीड टू हैव सम बैकग्राउंड नाउ. अगर आपने ग्रेजुएशन किसी ऐसी चीज़ में करी है जो कि नंबर्स डिग्री नहीं है, बट सो मेक श्योर कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ा नंबर्स वाली फील्ड में करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बैठ के कोई झूठी चीज़ नहीं बता सकता. ट्रस्ट मी इट्स अ लॉट ऑफ नंबर्स गेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर्स थॉरली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन. वन सेकेंड, जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास कॉमर्स डिग्री नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ नंबर्स बैकग्राउंड, यू नीड टू गेट टू द नंबर्स गेम. बार बार मैं नंबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स अ नंबर्स गेम ओनली. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, योर स्टोरी एंड नंबर्स शुड मैच. सो मेक श्योर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान कर रहे हो, दैट इट शुड बी इन फाइनेंस, अकाउंटिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू इट. अब हम बात करते हैं एडिशनल सर्टिफिकेशन की, लाइक CFA, FRM, CA एंड MBA इन फाइनेंस. सो सबसे पहले मैं CFA की बात करूँगा. देखिए CFA इज़ नॉट मैंडेटरी, बट CFA एक ऐसी डिग्री है जो मुझे लगा कि मैंने उनका पूरा सिलेबस देखा हुआ है एंड सूनर और लेटर मैं भी CFA कभी ना कभी दूंगा ही, कि CFA आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा. इवन आफ्टर CFA लेवल 1, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि दे गेट एन एंट्री लेवल पोजीशन इन मोस्ट सेल साइड फर्म्स. नाउ यू माइट बी थिंकिंग पीयूष ये सेल साइड क्या होता है? फॉर दैट वॉच माय इक्विटी रिसर्च कोर्स, उसमें मैंने बाय साइड, सेल साइड, हाउ टू प्रिपेयर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट सब बताया. सो डू मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें बिफोर आस्किंग मी एनी बेसिक क्वेश्चन. सो CFA का एक बात मुझे अच्छा लगता है कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देगा, आपको बहुत ही इनडेप्थ पढ़ाएगा और आपको एथिक्स पे भी वर्क करने को देगा. सो मेक श्योर दैट CFA इज शुड बी इन योर अकेडमिक क्वालिफिकेशन लिस्ट.
क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग सीएफए नाउ, सो यू डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड. क्योंकि इफ देखिए एज एन एम्प्लॉयर आई वांट समवन दैट हु हैज सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी. मैं नहीं चाहता कि मैं उसको 3 महीने की ट्रेनिंग दूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको सब कुछ बेसिकली सिखाऊँ. सो सीएफए डज दैट फॉर मी. सीएफए लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 शुड बी इन योर चेकलिस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफआरएम. एफआरएम देखिए आपको डायरेक्ट इक्विटी रिसर्च में इतना हेल्प तो नहीं करेगा, बट वंस अगेन इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिस्क, इट विल हेल्प यू टू फोरकास्ट द फाइनेंशियल मॉडल्स, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक इकोनॉमिक्स एंड बेसिक फाइनेंशियल मार्केट. सो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको हेल्प मिले एफआरएम से, बट डू नॉट रिलाई सोलली ऑन एफआरएम अंटिल एंड अनलेस यू हैव अदर स्किल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमबीए इन फाइनेंस. सो सबसे पहले मैं एमबीए इन फाइनेंस का एक वहम क्लियर कर दूं कि ऑल एमबीएस आर क्रिएटेड इक्वल. दिस इज नॉट ट्रू. इवन यू नो दिस दैट फ्रॉम अ टीयर वन कॉलेज अगर आपने एमबीए करी है देन इट इज़ फार बेटर. अगर आपने किसी टीयर थ्री से कॉलेज से करी है देन ट्रस्ट मी एमबीए फाइनेंस विल नॉट लीड दैट मच रिजल्ट. आई हैव नॉट सीन मेनी स्टूडेंट्स ब्रेक इन टू सम हाई प्रोफाइल जॉब फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज. सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हो सो इट शुड बी फ्रॉम अ टीयर वन और अ टीयर टू कॉलेज. टीयर थ्री कॉलेज से अच्छा तो आप कोई सीएफए कर लो या फिर एफआरएम कर लो. सो ये था आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन. आपका नंबर्स गेम होना ही चाहिए सूनर और लेटर. इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड इट इज ओके, बट यू नीड टू हैव सम सर्टिफिकेशन लाइक सीएफए, एफआरएम एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एमबीए इन फाइनेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात करते हैं. सी देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स योर अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वो इतना हेल्प नहीं करेगा, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग थॉरली एंड यू हैव सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड. सो इट कैन हेल्प यू विद द इक्विटी रिसर्च. नाउ द थर्ड स्टेप. अब हम बात करेंगे ऐसी चीज़ की जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, खास करके अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, वो है इंटर्नशिप्स. डू नॉट इवन थिंक कि आप इक्विटी रिसर्च में ब्रेक करोगे विदाउट डूइंग सम फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप. आपको इंटर्नशिप्स अंडर योर बेल्ट चाहिए ही चाहिए, स्पेशली अगर आप सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि यू मिस आउट ऑन सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, बुक्स, वीडियोज एंड कोर्सेज कैन ओनली टीच यू सो मच, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वर्क प्लेस का कि एक्चुअल में काम कैसे होता है वो आपको सिर्फ इंटर्नशिप्स ही दिला पाएंगी. नाउ द कॉमन क्वेश्चन अराइजेज कि आप इंटर्नशिप लैंड कैसे करें. एंड यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं कि वो किसी रैंडम वेबसाइट पे जाते हैं, रैंडम लोगों से पूछते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं उल्टे सीधे लोगों को. सी देर इज़ ओनली वन प्लेटफॉर्म विच आई कंप्लीटली ट्रस्ट और वो है लिंक्डइन. मेक श्योर आप लिंक्डइन पे प्रेजेंट हो. एंड अगर आपने अभी तक लिंक्डइन मुझे फॉलो नहीं कराया, कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजी, देन प्लीज़ डू इट. आई पोस्ट रेगुलर कॉन्टेंट ऑन इट. सो मेक श्योर आप किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके इंटर्नशिप्स ना ही ढूंढो तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है एंड यू डू नॉट वांट टू बी सम अदर शिप इन द हर्ड. सो मेक श्योर आप लिंक्डइन को इस्तेमाल करें. लिंक्डइन में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी हाउ टू लैंड इंटर्नशिप यूजिंग लिंक्डइन. सो वंस अगेन अगर आपको स्ट्रगल करना ही है इंटर्नशिप्स के लिए, सो रादर देन किसी ऐसी वेबसाइट पे जाना जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यूज़ करना भी नहीं आ रहा, सो अदर देन दैट प्लीज़ स्ट्रगल ऑन लिंक्डइन. LinkedIn should be your main focus. And another way of landing an internship is through networking events. देखिए as a finance professional, you need to understand that your network is your net worth. अगर आपको बाहर लोगों से बात करने में डर लगता है, अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से डर लगता है, if you do not know how to make friends, then trust me, finance में आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. So make sure आप CFA Society India जैसे events attend करें, और भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट इवेंट्स होते हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स होते हैं आपके, आपके नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो इन सब से आप प्लीज़ अपडेटेड रहिए. नो यू माइट बी आस्किंग मी कि पीयूष हाउ डू आई स्टे अपडेटेड विद दीज इवेंट्स. लिंक्डइन यूज़ कीजिए भाई, एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. यू विल बी शोन द वे वंस यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. सो मेक श्योर कि आप लिंक्डइन एंड नेटवर्किंग को अपना मेन फोकस बनाएं व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग द इंटर्नशिप. अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इक्विटी रिसर्च, वो है आपके प्रैक्टिकल स्किल्स. अब मैं जो स्किल्स बताने वाला हूँ उनको मास्टर करना इज़ अ मस्ट. यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते. सबसे पहले स्किल जो आपको इक्विटी रिसर्च के लिए चाहिए वो है एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट. क्योंकि लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो, आप मॉडल्स बिल्ड कर रहे हो, वो कहाँ पे होगा? जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो हमेशा एक्सेल पे ही आके रुकेगा. आप कुछ भी सीख लो, कोई भी कोर्स कर लो, अगर आपको एक्सेल नहीं आता, आपको एडवांस एक्सेल नहीं आता, देन ट्रस्ट मी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. यू नीड टू नो एक्सेल थॉरली एंड यू नीड टू नो हाउ टू ऑपरेट एमएस पावर पॉइंट. आप पावर बीआई कर लो,
आप पाइथन सीख लो, बट ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एमएस एक्सेल. सो मेक श्योर ये दो स्किल्स आपकी काफ़ी मास्टर्ड है, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर. दूसरी स्किल मैं ये बोलूँगा वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है मुझे आफ्टर एमएस एक्सेल, इज योर एनुअल रिपोर्ट एंड कॉन कॉल इंटरप्रिटेशन. नाउ फोकस ऑन द वर्डिंग्स आई हैव यूज्ड, इंटरप्रिटेशन एंड नॉट जस्ट रीडिंग. रीडिंग तो कोई भी कर लेगा, पढ़ के कोई भी बैठ जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हाउ टू डेसिफेयर व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग. सो ये आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से एंड हाउ टू सी व्हाट दैट मैनेजमेंट के पास कॉन्विक्शन है या नहीं. सो इस चीज़ को समझिए कि एनुअल रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना, कॉन कॉल्स को इंटरप्रेट करना एंड आउट ऑफ द लाइन्स आप कैसे डेटा क्रिएट कर सकते हो कि अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि हम इतना केपेक्स कर रहे हैं सो उससे फ्यूचर में कितना रेवेन्यू विजिबिलिटी है, उससे फ्यूचर में आपके एसेट टर्न्स कैसे होंगे, आपका डेट स्केड्यूल अगर आप बना रहे हो, आपका केपेक्स स्केड्यूल बना रहे हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कि आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के भी कैसे फाइनेंशियल मॉडल के लिए इनपुट्स ले सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्किल यू नीड टू हैव एज एन एनालिस्ट. सो प्लीज़ मास्टर एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट की बात करें, मैं अपना एनुअल रिपोर्ट टूल गिव अवे कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एनुअल रिपोर्ट का टूल का लिंक मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू डू रीड द एनुअल रिपोर्ट टूल ऑन हाउ टू एनालाइज एनी एनुअल रिपोर्ट इन लेस देन 30 मिनट. अगली स्किल के बारे में जो बात करूँ वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग तो हर कोई सीख रहा है, मैंने भी कोर्स निकाला हुआ है और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने कोर्स निकाले हुए हैं. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मॉडलिंग थॉरली. नाउ अब देखिए फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने का सही तरीका क्या है. यू नीड टू नो दैट विदाउट इक्विटी रिसर्च फाइनेंशियल मॉडलिंग इज कम्प्लीटली मीनिंगलेस. रिसर्च कम्स फर्स्ट देन कम्स द फाइनेंशियल मॉडलिंग. बिना रिसर्च करे आप फाइनेंशियल मॉडल नहीं बिल्ड कर सके, क्योंकि आपको जो अजम्पशंस बनानी है, आपको जो इनपुट्स डालने हैं, आपको जो फोरकास्टिंग करनी है, दैट कैन ओनली कम फ्रॉम डूइंग अ थॉरो रिसर्च ऑन द बिजनेस दैट यू आर एनालाइजिंग. नाउ अगर आपने एक बिजनेस पे रिसर्च कर ली, उसका आपने फाइनेंशियल मॉडल बनाया, डू नॉट स्टॉप देयर. एक कंपनी का मॉडल बनाने से आप एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे, एक कंपनी का मॉडल बनाने से आप एक अच्छे एनालिस्ट नहीं बन पाओगे. सो मेक श्योर अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, यू नीड टू डू द मॉडलिंग फॉर द एंटायर सेक्टर. कि कोई भी सेक्टर पकड़ो, इजी सेक्टर हो, FMCG हो, वायर्स एंड केबल्स हो, फार्मा और केमिकल मत पकड़ लेना बिगिनिंग में. सो कोई भी सेक्टर पकड़िए, उसमें से टॉप 5 प्लेयर के फाइनेंशियल मॉडल्स बनाइए और ये देखिए कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो पूरी इंडस्ट्री को मूव करते हैं एंड कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो मैटर नहीं करते. सो दिस इज़ हाउ यू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग इन द मोस्ट प्रैक्टिकल सेंस. अब हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की. बहुत सबको लगता है कि यार रिपोर्ट राइटिंग तो बस ऑथर्स का काम है, हम तो राइटर नहीं हैं, वी आर नॉट राइटर्स. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इफेक्टिव इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स. आपको रिसर्च रिपोर्ट्स ऐसे लिखना आना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है, इवन इफ इज अ लेमैन, इवन इफ इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, वो आपकी भाषा समझ पाए. नॉट यूज एनी जार्गन्स और टफ वोकैबुलरी फॉर योर रीडर. सो मेक श्योर आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स आर अप टू द पार. मेक श्योर आप ये सब चीज़ें मास्टर करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है नेटवर्किंग स्किल्स. आपको नेटवर्क करना आना चाहिए. मैंने इससे पहले ही बोला जब आप इंटर्नशिप के पॉइंट पे थे कि यू नीड टू नो हाउ टू नेटवर्क इफेक्टिवली. सो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं, अगर आपने इनको मास्टर नहीं करा, यू विल नॉट सक्सीड. इट्स एज सिंपल एज दैट. नाउ चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स एंड सैलरीज की. देखिए सैलरी जो आपको एक इक्विटी से चैनलिस्ट देता है वो शुरू में, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी यूजुअली 6 से 7 लाख होती है साल की. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आपके पास एक Tier 2 MBA है, अगर आपके पास बहुत ही कम नॉलेज है इक्विटी रिसर्च की, सो ट्रस्ट मी आपको अगर 50 से 60 हज़ार की भी जॉब मिल रही है, देन इट इज़ अ गुड थिंग. नाउ जो एम्प्लॉयर्स हैं, देखिए टिपिकल बाय साइड में जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो आपके सारे आपके PMSs हैं इंडिया में, हेज फंड्स इंडिया में इतने हैं नहीं. सो मेक श्योर आप बाय साइड और सेल साइड समझिए. जो सेल साइड फंड्स हैं आपके मोतीलाल ओसवाल हैं, आपके आपके ICICI सिक्योरिटीज़ हैं, आपके नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है, GOJ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं. सो जितने भी आप फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स देख रहे हो, ये सारे सेल साइड फर्म्स होते हैं. सो ये सारे आपके एम्प्लॉयर्स बनेंगे, ये सारे आपको जॉब्स देंगे एंड इनकी जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो. सो सैलरीज इनकी शुरू से वही होती है, 6 से 10 लाख अगर आपको मिल रही है, देन इट्स अ गुड थिंग. दिस इज़ द मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी एनालिस्ट इन इंडिया. अगर आपको कोई बोला भाई 24 लाख का पैकेज है, 36 लाख का पैकेज है शुरू में, वो आपको झूठ बोल रहा है. ट्रस्ट मी, दिस डज नॉट हैपन. आई नो द इंडस्ट्री इन एंड आउट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स आर इन माय नेटवर्क. सो अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको शुरू करना है, यू नीड टू स्टार्ट समवेयर. सो डू नॉट थिंक कि अगर मुझे 24 लाख का पैकेज मिलेगा मैं तभी स्टार्ट करूँगा. जस्ट स्टार्ट. अगर आप सीरियस हो, देन इम्प्रूव योर स्किल एज द टाइम गोज एंड यू विल श्योरली सक्सीड. सो आज की वीडियो के लिए फोकस इतना ही. आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो, ये वीडियो नया सेटअप आपको पसंद आया हो. एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन.
थैंक यू सो मच फॉक्स.